सभी साथियों को नमस्कार। यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस की ओर से संचालित किए जाने वाले प्रोग्राम यूथ सक्सेस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, जिनका एसआई में सिलेक्शन हुआ है, आज वो अपनी रणनीति के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई और अंतिम रूप से अपना चयन सुनिश्चित किया है। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस और पूरे परिवार की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं कि एसआई में आपका जो है सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। पुष्पेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने वो कौन सी रणनीति अपनाई, कौन कौन सी आपके जीवन में वो चुनौतियां रही जिनका सामना करते हुए आपने अंतिम रूप से उन सभी चुनौतियों के सामने आप डटे रहे और अंतिम रूप से आपका जो चयन है एसआई में हुआ है। आप इवन जॉब में भी हैं, जॉब में रहते हुए क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए, और हमारे कई साथी जो कि जॉब के अंदर रहते हुए इस कंपटीशन एग्जाम जो कि 2021 एसआई के रूप में उनके समक्ष है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनकी क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि वो जॉब में रहते हुए भी इस एग्जाम को एक अच्छी रणनीति के तहत जो है लास्ट क्रैक कर सके और अपना अंतिम चयन आप ही की तरह जो है सुनिश्चित कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम की। तो ये एग्जाम, पहली बात, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाला एग्जाम है। दूसरा कि इसके चरण भी 3 चरणों का एग्जाम है। प्रथम चरण जो रिटन है, दूसरा है उसमें फिजिकल होता है, और थर्ड चरण के रूप में इसका जो इंटरव्यू है। तो तीनों ही चरणों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले चरण की, रिटन के रूप में। रिटन के रूप में हम बात करते हैं तो पहला रिटन के रूप में दो हमारे पास मेन पार्ट रहते हैं इसमें, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। प्रश्न पत्र प्रथम की बात करेंगे जो कि हिंदी का है, तो हिंदी प्रश्न पत्र में आपकी क्या रणनीति रही, कौन सा स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया पुष्पेंद्र जी? सर मैं क्या है, सीबीएसई बोर्ड से रहा था, मैंने 12th मेरे सीबीएसई बोर्ड से हुई थी, उसके बाद सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो सर मुझे 10वीं के बाद ही हिंदी को छोड़ना पड़ा था, तो लेकिन यहाँ एसआई में हिंदी का पूरा व्याकरण का बहुत बड़ा भाग रहता है, इवन पूरा एक पेपर जीके में तो पूरा एक पेपर भी हिंदी का होता है। तो सर मेरे लिए शुरू से ही चैलेंजेबल रहा था हिंदी को अपने सही तरीके से पेपर के हिसाब से तैयार करना। तो सर मैंने इसके लिए 3 से 4 किताबें हिंदी के लिए पढ़ी थी, क्योंकि सर एक किताब हम कोई भी पढ़ के कंप्लीट उदाहरण और जो उसके एग्जांपल हम नहीं समझ सकते, तो इस वजह से सर हिंदी का जो मैंने सिलेबस देखा था उसके हिसाब से मुझे लगा था कि जितने ज्यादा हम उदाहरण पढ़ेंगे, क्योंकि सर समझने वाला ही पोर्शन था उसमें सबसे ज्यादा, तो हम जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो उसमें से लगभग सर आधा जो हिंदी का जो पेपर है सेकेंड ईएसआई का, तो उसमें आधा भाग तो लगभग शब्दों का ही है पूरा कंप्लीट, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, शब्द वियोगम हो गए, तो ऐसे सर हम और ये चीजें याद करने वाली हैं सर, तो इनको हम जितना ज्यादा किताबों से उदाहरण देख के पढ़ेंगे सर, इसके लिए मैंने क्या एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई थी जिसको मैं अपने लेवल पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रेटजी बोलता हूँ। तो जैसे मैंने सर कोई भी एक किताब ली हिंदी ग्रामर की, तो उसको पढ़ता गया, जो चीज मेरे से आ रही है सर मैं उसको वहीं की वहीं काला पेंसिल से, एक पेंसिल लेके काले निशान लगाते चला गया। तो सर इससे मुझे सुविधा ये मिलती थी कि अगली बार मुझे पढ़ने के लिए वही चीज मिलती थी जो मेरे से आए नहीं, जो मुझे आता था वो मैंने पहले ही काला कर दिया था, तो दोबारा मैंने रिवीजन चालू किया तो सिर्फ वही चीज पढ़ी जो मेरे से हुई नहीं। तो इस वजह से सर मैंने 3-4 महीने में ही हिंदी लगभग मैं एवरेज स्टूडेंट हो गया था हिंदी में, एक वीक स्टूडेंट से। तो ये स्ट्रेटजी रही थी सर मेरी हिंदी में। बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी का नाम आपने दिया है ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट आपकी जिंदगी को रंगीन करने वाली स्ट्रेटजी है वो साबित हुई है, और डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट है इनको ये एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा इस ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रेटजी से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि जिन चीजों को पढ़ रहे हैं उन्हें ही वापिस रिविजन करते हैं, तो वापिस से उसी को वापिस से रिवाइज करते रहते हैं जो ऑलरेडी उनको चीजें आती रहती है, लेकिन जो वीक पोर्शन होता है उस पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी जिसमें कि जो वीक पोर्शन है उस पे बार बार से आपका जो है रिवीजन हो पाएगा, उतना समय आपको मिल जाएगा। बात करते हैं एक कि आपने कहा कि आप जो है सीबीएसई से रहे हैं, तो डेफिनेटली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हिंदी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को आपने बड़ी ही अच्छी तकनीक से जो है उसको जो है समाधान भी प्रस्तुत किया, और आपने खुद से भी इसको जो है एक चैलेंज को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया और उसको क्रैक किया। अब मैं जानना चाहूंगा कि पुष्पेंद्र जी, अपने हिंदी में ये आपका जो है स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया, क्या और इसके अलावा आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह का प्रोग्राम भी हिंदी के लिए लगाए? जी सर, वैसे तो मैंने कहीं ऑनलाइन कोचिंग में अभी कहीं भी टेस्ट नहीं दिया था सर, मैंने इसके लिए पुराने पेपर्स और जो अनसॉल्व पेपर
मार्कशीट से वो परचेज किए थे, तो मैंने सर उनका 8 से 10 सेट लिए थे, तो हर एक किताब में लगभग 10 से 15 सेट थे, तो लगभग मुझे 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज देने का वो मिला, एक्सपीरियंस मिला उन्हें। तो मैंने सर ये, लेकिन ये स्ट्रेटेजी सर मैंने एग्जाम के जो लास्ट 2-3 महीने रहे थे तभी चालू की थी, उससे पहले तो मेरा सर पूरा जो टाइम था मैंने रिविजन पर ही फोकस किया था सर उसको। तो ओके जैसे ही 2-3 महीने लास्ट के आ गए एग्जाम के, तो सर मैंने फिर रोजाना 3 से 4 मॉक टेस्ट देने चालू कर लिए, जो मेरे पास बुकें थी 8 से 10 किताबें मैंने ली थी ओके okay. ठीक है हिंदी के भूपेंद्र लिए। जी, अब बात करते हैं अपन अपने दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर है बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा सिलेबस है उसमें, अलग अलग जी सब्जेक्ट का उसके अंदर मिश्रण आपको दिया गया है, तो उसको लेके आपकी क्या रणनीति रही, किस तरह से आपने बैलेंस अप्रोच से पूरे एग्जाम को है उसमें क्रैक करने की एक रणनीति बनाई। सर, मैंने उसके लिए पहले तो सर सिलेबस को ढंग से देखा, और फिर मैंने सर एक सिलेक्टेड बुक लिस्ट बनाई थी, तो उसके हिसाब से सर मैं फॉलो करते गया। और करंट के लिए सर स्पेशल मैंने न्यूज़पेपर पर ही फोकस रखा था, क्योंकि करंट के लिए कोई भी हम किताबें पढ़ लें सिर्फ वो साल 6 महीने के कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं, सभी किताबों में लगभग एक जैसा है। इसके करंट के लिए सर मैंने स्पेशल न्यूज़पेपर पर फोकस रहा, और घटनाओं को एग्जाम पेपर के हिसाब से देखा था उनको, सिर्फ न्यूज़ को सिर्फ न्यूज़ के हिसाब से नहीं, उनको सर मैंने अपने एग्जाम पेपर के हिसाब से देखा था। इसके अलावा तभी तभी सर दृष्टि कोचिंग है IAS की, उसमें एक वीकली सेगमेंट वो निकालते हैं यूट्यूब पे करंट का, तो एक सर मैंने वो देखा था। इन दो चीजों से सर मेरी करंट हुई। इसके बाद मैंने कुछ जो अपनी सिलेक्टेड बुक बनाई हुई थी उनको पढ़ के खुद के नोट्स बनाए थे, एक बार सर उनको पढ़ा, फिर दोबारा खुद के सेल्फ नोट बनाए, और सर लास्ट एग्जाम तक मैंने खुद के नोट्स ही पढ़े थे हर चीज में, किसी भी कोचिंग का विशेष वो नहीं लिया, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। ठीक है पुष्पेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि इसके अलावा आपने जो बुक्स बताई कि मैंने कुछ स्पेशल बुकों का आपने जो बताया कि भाई आपने फॉलो किया है, तो वो बुक्स कौन सी थी हिंदी के रेस्पेक्ट में आप बताइए, जो बुक्स है बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रेफर करनी चाहिए या जो कोचिंग भी जा रहे हैं तो उनको सपोर्टिंग हैंड के रूप में वो बुक्स रहे, और इसके अलावा सेकेंड पेपर में कौन सी रेफरेंस बुक आपने जो है फॉलो की है। सर हिंदी में मैंने डॉक्टर राघव प्रकाश की हिंदी ली थी, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा चलती है। इसके अलावा सर एक हिंदी की उपनिरीक्षक के स्पेशल आती है इंद्र अशोक, और सर एक आती है हिंदी बृहद व्याकरण कोश, ये 3 किताबें मेरे पास थी। इसके अलावा सर मैंने प्रैक्टिस के लिए वस्तुनिष्ठ हिंदी की बुक भी ली थी, दो, वो नाम तो पुष्पेंद्र जी, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है जी। पुष्पेंद्र जी थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, वापस से मैं वापस से सवाल आपको रिपीट करता हूँ कि आपने कौन कौन सी जी। बुक है, रेफरेंस बुक्स हैं वो एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए बच्चों के लिए कि हिंदी के लिए कौन सी थी, और इसके अलावा जो रेफरेंस बुक है वो सेकेंड पेपर के लिए आपने कौन सी ली थी। सर हिंदी के लिए मैंने जो राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चित बुक है वो डॉक्टर राघव प्रकाश की है। सबसे पहले आधार मैंने उसी बुक को बनाया अपना। इसके बाद उपनिरीक्षक हिंदी के लिए ही आती है सर इंद्र अशोक, डॉक्टर इंद्र अशोक, उसको पढ़ा मैंने। इसके अलावा सर एक बुक और है, काफी मोटी बुक है, हिंदी बृहद व्याकरण कोश, उसके राइटर और पब्लिकेशन का नाम मुझे याद नहीं है, ये पढ़े सर। इनके साथ ही मैंने प्रैक्टिस के लिए सर वस्तुनिष्ठ हिंदी की एक दो किताबें और ली थी, तो जो भी टॉपिक सर मैंने पढ़ा किताब से उसको तुरंत, जो वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस वाली बुक थी उस टॉपिक को तुरंत सर मैंने वहां से क्लियर किया, तो इससे क्या सर मेरी समझ विकसित हुई हिंदी के लिए, और जो मैंने पढ़ा है उस पर मैंने कितना मेरे समझ में आया है उसका रिजल्ट मैंने साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ हिंदी को पढ़ के खुद को जांचा था सर मैंने इस तरीके से। जी ये मेरा हिंदी, क्योंकि सर हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो सर मेरा हिंदी पे ही जोर ज्यादा था, और मेरा सर थोड़ा हिंदी का वीक भी था, जो मैंने आपको बताई थी प्रॉब्लम मेरी, तो इस वजह से सर मैंने हिंदी को विशेष टाइम दिया था इसमें। अच्छा, आपने हिंदी के लिए बताया कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रेटजी अपनाई, इसके अलावा क्या हिंदी के अलग से आपने नोट्स बनाए या कहीं से परचेज किए या बस सिर्फ यही स्ट्रेटजी आपकी एनफ थी उसके लिए। हाँ सर, जो चीजें मेरे समझ में आई वो मैंने लिखी भी थी, मेरी खुद के नोट्स भी बनाए थे मैंने हिंदी में, पर लेकिन जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी सर वो उस पर ज्यादा जोर रहा था मेरा, ब्लैक एंड व्हाइट जो स्ट्रेटेजी मेरी कह सकते हैं आप उसको, तो मेरा उस पर ज्यादा था सर।
अच्छा पुष्पेंद्र जी, हिंदी को हम जैसे समझ विकसित करते हैं, तो समझ विकसित करने के तौर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस क्या सिर्फ हमें बार बार रिवाइज करके ही करना चाहिए या रिटन में भी कुछ अभ्यास करना चाहिए? सर रिटर्न तो जरूरी है, जो चीजें आपके समझ में नहीं आ रही हैं, एक बार लिखने से समझ में, तो सर समझ और याद दोनों ही होते हैं सर, तो लिखना तो जरूरी है सर, कोई भी, या जीके का हो या हिंदी का हो, लिखना तो सर जरूरी है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की, मेरे नजरिए से बात को देखें, तो सर कोई भी कंपटीशन हो, क्योंकि मार्केट में सर एक से एक अच्छी किताबें पड़ी हुई हैं, जब तक हम उनको पढ़ के खुद के सेल्फ नोट नहीं बनाएंगे तो तब तक काम नहीं चलने वाला है सर, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो कम से कम। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर की वो रेफरेंस बुक्स बताइए जो कि बच्चों को मार्गदर्शन करें करने वाली होगी, और उस पे उनको जो है विश्वास के तौर पे उन बुकों को खरीद के वो आगे अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। सर मैंने सेकंड फर्स्ट पेपर में जो जीके वाला पेपर था, मैंने राजस्थान के लिए तो लक्ष्य राजस्थान पढ़ी थी सर, इसमें किताब। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी, मैंने मोटी किताब है, ये TMH पब्लिकेशन है, उसके लिए थोड़ी सी मोटी आती किताब, लेकिन किताब अच्छी है। तो और इसके अलावा मैंने साइंस टेक्नोलॉजी के लिए NCERT और RBSC दोनों की किताबें पढ़ी थी, स्टेट बोर्ड जो राजस्थान की किताबें हैं 9वीं 10वीं की, वो भी पढ़ी हुई थी। और सर ये इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए मैंने राजस्थान और इंडिया दोनों के आर्थिक समीक्षा को विशेष ढंग से पढ़ा। मैं आपके माध्यम से, आपके कोचिंग के माध्यम से बच्चों को बता दूं, पेपर के टाइम पे आर्थिक समीक्षा को जरूर देख के जाएं, राजस्थान और इंडिया दोनों को। कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से जरूर आते हैं, चाहे वो RS प्री का एग्जाम हो, RS मेंस हो, या फिर सब इंस्पेक्टर हो, तो वो जरूरी है। और सर संविधान के लिए मैंने M लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, लेकिन सर उसको पढ़ के, क्योंकि किताब बहुत मोटी है, तो सेल्फ नोट्स ही बनाए थे उसमें भी मैंने, और उन्हीं को लास्ट तक मैंने पढ़ा, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत मोटी किताब है, और क्योंकि सिलेबस उस हिसाब से किताब में तो काफी कुछ दिया हुआ है, तो हमें सेलेक्ट करके खुद अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसी से पढ़ें स्टूडेंट्स तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय किताब को फॉलो करने के बजाय। इसके अलावा हिस्ट्री का जो पोर्शन है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और इंडिया हिस्ट्री का, उसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई और कौन सी बुक को फॉलो किया है? सर क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से रहा था, तो हिस्ट्री मेरे पास 12th में BA में सब्जेक्ट था, तो NCERT की किताबों से मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, क्योंकि मेरी उसी टाइम की पुरानी बुक रही रही रखी थी मेरे पास, तो वही पढ़ी। राजस्थान हिस्ट्री के लिए सर मैंने कंप्लीट बताया था आपको, लक्ष्य राजस्थान पढ़ा था पूरा, अच्छा, उसमें के आपको अंदर जो ज्योग्राफी भूगोल है हिस्ट्री राजस्थान की, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर है, वो सारा उसमें समाहित हो जाता है एक जी तरह से, हाँ, वो गाइड में। कंप्लीट राजस्थान की बुक है, उसी से मैंने लक्ष्य राजस्थान के 2 पार्ट आते हैं, काफी मोटी मोटी किताबें आती हैं, तो राजस्थान के लिए सर मैंने एकमात्र वही बुक पढ़ी थी, लक्ष्य राजस्थान। चलिए ठीक है। और बाकी सामान्य ज्ञान भारत के लिए सर मैंने एक सामान्य ज्ञान मंजूषा आती है TMH पब्लिकेशन की, उसको कहीं कहीं मुझे प्रॉब्लम आई तो मैंने उसको भी उपयोग में लिया था अपने। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट भी इसके अंदर है, तो उसके लिए आपने कुछ अलग से कुछ बुक्स ली या फिर सिर्फ नॉर्मल जो है क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए आपने? सर मैथ रीजनिंग के लिए, क्योंकि सर जीके में के पेपर में सर सब इंस्पेक्टर में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के हैं, तो सर मैंने मैथ और रीजनिंग पे इतना विशेष ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ 8 से 10 दिन एक एक घंटे मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ही की थी उनकी, कोई विशेष किताब नहीं ली मैंने उनके लिए, क्योंकि सर हम ज्यादा भी टाइम ज्यादा देते उसमें तो भी 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन करते, और सर मेरे 6-7 तो नॉर्मल बिना तैयारी के भी उसमें सही गए थे, तो ये अंदाजा था सर इतना, तो इसलिए मैंने उसमें विशेष टाइम नहीं दिया था। बाकी जो लड़के वीक हैं, मैं तो वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा दें, और लेकिन जिनको लगता है कि रीजनिंग और मैथ उनका स्ट्रांग है, तो वो इसको सर थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जब मैं जो चीज महसूस करता हूँ सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। तो आप पहले से जॉब में हैं, आपके ये एक तो आप मतलब एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे हैं, जॉब में भी आप हैं, तो इन चीजों को कैसे बैलेंस किया आपने जॉब में रहते हुए? सर क्योंकि 6, 7वां 8वां साल सर्विस में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इच्छा जरूर थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक अच्छे इंस्टीट्यूट केंद्रीय विद्यालय से मुझे पढ़ाया था, उसके बाद सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, तो कहीं ना कहीं इच्छा ये थी कि हाँ अभी जो हमारा कंप्लीट टैलेंट है वो पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम नहीं आ रहा है, तो हमें और आगे कोशिश करनी चाहिए, और फिर अपने डिपार्टमेंट के ही सर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को हम थाने पे देखते हैं, तो उनको देख के लगता है कि हम भी कुछ आगे भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा जज्बा था अपने लिए, इस वजह से सर, क्योंकि पुलिस की नौकरी बहुत चैलेंजेबल है, तो उसके बावजूद भी सर जैसे भी ट्रेनिंग
टाइम मिलता था हमें तो तैयारी पे ही देते थे वो पूरा टाइम, कहीं और दूसरी चीजों की वजह से। तो ये जज्बा सर यहाँ तक खींच लाया हमें। बिल्कुल कमांडेबल है आपका जज्बा, क्योंकि एक तो आप पुलिस में रहते हुए ही पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्मली एक धारणा होती है लोगों में कि पुलिस की नौकरी है 24 घंटे की नौकरी है, उसमें रहते हुए फिर आप वहीं के होके रह जाते हैं, लेकिन ये आपने साबित किया है कि आपने कांस्टेबल जो कि सबसे टफेस्ट जॉब मानी जाती है पुलिस के अंदर, उसमें रहते हुए भी आपने SI की तैयारी की और फाइनली आप जो है उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए आपने जो है एक उच्च पद की जो है रैंक पे आप जो है अगेन से सेलेक्ट हुए हैं। डेफिनेटली आपका टैलेंट है, सिर्फ SI तक ही नहीं है, जिस तरह से आपने क्वालिफिकेशन है हासिल की है उससे ऊपर भी है। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जो अपने अगले लक्ष्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। आगे हम बात करते हैं पुष्पेंद्र जी कि आपका जो इंटरव्यू का जो फेस है वो जो आपको फेस करना था फिजिकल के बाद में, तो इंटरव्यू की तैयारी क्या आपने फिजिकल होते ही स्टार्ट कर दी थी या फिर आपको लगा कि इंटरव्यू है वो नॉर्मल है, इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, या कुछ क्या कुछ सपोर्ट रहा इंटरव्यू में आपको? सर मैं इंटरव्यू पहले, हम सर द्वितीय चरण की बात कर लें फिजिकल, क्योंकि वो भी इसमें पार करना पड़ता है, तो मैं पहले सर ये शारीरिक दक्षता परीक्षा है, थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट को ये भी बता दूं सर, इसका SI का जो फिजिकल है वैसे तो छोटा है लेकिन सर स्ट्रेंथ और स्टेमिना वाला है। तो इसमें कैंडिडेट को ये बता दूं पहले से ही कि जिस दिन से, सर मैं अपनी बात बता देता हूं कि जिस दिन मेरा रिटर्न का एग्जाम हो गया था, मैंने सर उसी अगले दिन से मैंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मैंने और जो भी मेरे साथ लड़के थे। तो मैं आपके माध्यम से सर, आपके जो भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, मैं उनको बता दूं कि भरोसे में नहीं रहे बाद में कि फिजिकल की एग्जाम के रिजल्ट का कितने बार डेट आएगी, नहीं आएगी, वो आएगी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम हो जाए उसके बाद ही फिजिकल की तैयारी चालू कर दें, क्योंकि सर मैं बता दूं क्योंकि सब इंस्पेक्टर में नए यंग लड़के तो उतने नहीं रह पाते, लगभग 22, 23, 24, 25 साल का एवरेज आता है यहाँ। एक सर कांस्टेबल की भर्ती या निकालते हैं तो 18 से 20 साल के यंग लड़के आते हैं, तो यहाँ काफी दिनों तैयारी के बाद क्योंकि उनकी प्रैक्टिस छूट जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए उससे अगले दिन से ही हल्की हल्की सी आप तैयारियां फिजिकल के लिए शुरू कर दें, क्योंकि बाद में डेट ज्यादा वो लंबी नहीं देते हैं। और इस बार भी यही हुआ था फिजिकल में, काफी लड़के जिनके रिटर्न में काफी अच्छे नंबर थे वो फिजिकल में फेल हुए हैं। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि वो फिजिकल की तैयारी तभी से चालू कर दें। थैंक यू, आपने दूसरे चरण के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा इसको लैप्स कर गया था, मैं डायरेक्ट इंटरव्यू पे आ गया था। इसके बारे में हमें हालांकि डिटेल से चर्चा और भी करनी है, जिसमें कि हमें ये भी जानना है कि एक तो आपने काफी चीजें बता दी है हालांकि फिजिकल के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी हमें जानना है कि कौन सा इवेंट आपके लिए टफ रहा और अलग अलग इवेंट्स के लिए आपने क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई इसके लिए, जैसे स्प्रिंट दौड़ है, इसके अलावा स्प्रिंट है, इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप है, और इसके अलावा चिनअप है, तीनों के लिए क्या अलग अलग स्ट्रेटेजी रही आपकी? क्योंकि सर मैं स्कूल टाइम से ही नेशनल लेवल का एथलीट रहा हूं, तो मेरे लिए फिजिकल का जो था उतना कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों को बता दूं फिजिकल राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का ऐसा है कि हर चीज में सर एक ही मौका है। लॉन्ग जंप है, उसमें आपको एक ही मौका है, या तो आप उसमें फाउल कर जाओ, कम लगाओ जंप, ज्यादा लगाओ, चांस एक ही मिलेगा आपको। सेम सर रेस में और उसमें भी यही है। तो इसीलिए मैं बच्चों से सर ये बात इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम के अगले दिन से ही तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। इसमें सर जो सबसे कठिन है वो इसमें लॉन्ग जंप पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि सर उसमें लाइन रहती है, 10-20 मीटर दूर से लड़के रनअप लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं डर रहता है मन में कि हम फाउल नहीं हो जाएं, पैर लाइन से आगे नहीं चला जाए। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी रखनी है, काफी पहले से ही, और प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि रनअप अपना, सर मैंने तो क्या है वो स्ट्रेटेजी रही थी मेरी, मैं जब अपना रनअप लॉन्ग जंप के लिए चालू करता था तो वहां एक निशान लगाता था और लाइन को बिना देखे ही मैं जंप करता था। फिर मेरे जो दूसरे साथी होते थे मुझे बताते थे कि लाइन से थोड़ा पैर आगे है या पीछे है। फिर सर जो जहां से मैं रनअप स्टार्ट करता था फिर उस मार्क में मैं उतना ही चेंज करता था जहां से मेरा लाइन पे पैर मेरा कम या ज्यादा रहता था। तो बच्चे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बाकी लॉन्ग जंप उतना कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल पूरा 15 फीट से ऊपर हो जाओगे पूरे नंबर के लिए। तो जब आप लॉन्ग जंप या फिर जब दौड़ने के लिए जब मेन ग्राउंड में जब आपका फिजिकल हो रहा था उतरे थे, तो क्या कुछ अलग तरह की नर्वसनेस आपके ऊपर थी कि कहीं फाउल ना हो जाए, एक ही चांस है,
या आप कॉन्फिडेंस था आपको कि नहीं मेरा फाउल नहीं होगा क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है? नहीं सर, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था। मैं लॉन्ग जंप के लिए बच्चे वहां काफी डिस्कस कर रहे थे कि एक ही चांस है, कैसे होगा, एक ही चांस होगा, लेकिन मैं सर फुल कॉन्फिडेंस में था उस दिन, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही मैंने उस हिसाब से की थी यहाँ से कि मुझे फाउल नहीं होना पड़े। बाकी रेस में चिनअप में सर मुझे पहले से ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ा सा इसका था जो इशू मैंने प्रैक्टिस में ही दूर कर लिया था अपना, ये फाउल का। बाकी जो जिस दिन फिजिकल हुआ था, लड़के काफी लड़के बाहर हुए थे लॉन्ग जंप में ही स्पेशली, सिर्फ वो लाइन से फाउल होने की वजह से। हम 50 लड़के थे, 50 में से लगभग 25 से ज्यादा लड़के लॉन्ग जंप में फाउल थे। तो स्टूडेंट्स विशेष ध्यान रखें इस चीज का, अभी भी इस बार भी लॉन्ग जंप में एक ही चांस मिलने वाला है उनको, तो इस चीज की प्रैक्टिस वो पहले से ही करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में काफी दिनों की मेहनत के बाद एक छोटी सी चीज में निकलना पड़ता है, तो सर कहीं ना कहीं ये चीजें परेशानी देती है स्टूडेंट्स को, तो इस चीज को समय रहते दूर कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो मतलब आप लगभग 50% जो रेशियो रहता है लॉन्ग जंप के बाद में आगे जिनका आगे जो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपके साथ में लगभग 25 लोग थे वो सीधा लॉन्ग जंप में बाहर हो गए, तो ये रेशियो आई थिंक कि हर एक जोन में हमें देखने को मिला था इस बार के फिजिकल में कि लॉन्ग जंप सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा, और डेफिनेटली ये आगे आने वाले एग्जाम्स में भी यही सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो विशेष तौर से पूरी यूथ परिवार की ओर से भी आपको एक ये सजेशन है कि लॉन्ग जंप पे विशेष ध्यान दें। लेकिन लॉन्ग जंप की जब बात करते हैं तो इसमें चोट की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है, चोट लगने की ज्यादा इसमें संभावना है, तो क्या आपका भी कुछ ऐसा रहा कोई एक्सपीरियंस जिसमें कि आपको कोई चोट लगी हो लॉन्ग जंप के दौरान? नहीं सर, मेरा कोई इशू नहीं रहा था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से रहा था शुरू से ही, तो मैं सर उन चोटों का इलाज क्या है वो मैं पहले से ही जानता था। मैं बच्चों को स्पेशली कहना चाहूंगा कि वो चोटों से खुद को बचाए रखें, ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस भी नहीं करें कि बिल्कुल हमें एक मैराथन एथलीट की तरह हम पूरा टाइम दे दें, ये भी जरूरी नहीं है। आप जैसे एग्जाम खत्म हो लाइटली आप जॉगिंग वगैरह ग्राउंड में जाके चालू कर दें, लेकिन धीरे धीरे सर रिदम अपने आप बन जाता है धीरे धीरे। मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि वो एक साथ स्ट्रेंथ या पूरा वेट नहीं लें प्रैक्टिस का, लाइटली हल्का हल्का चलते रहें और अपने आप सर उसमें वो ठीक होता चला जाएगा, और जिससे सबसे ज्यादा फायदा ये रहेगा हमारी चोटों से बचे रहेंगे सर हम, इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा ये है। चोटों से बचना बहुत आवश्यक है क्योंकि अंतिम समय में यदि आप बाकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा, बाकी चोटों से जरूर बचे रहेंगे, ये फायदा मिलेगा सर। ओके ठीक है पुष्पेंद्र जी, ये बात हुई फिजिकल की, अब फाइनली हम आते हैं इंटरव्यू के ऊपर, तो इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी रही आपकी स्पेशल? सर जैसे ही मेरा फिजिकल का दौर खत्म हुआ, मैं उसी दिन से फिर सर इंटरव्यू मेरे दिमाग में था कि हाँ, क्योंकि सर हर एक आदमी को अपना कैलकुलेशन दिमाग में रहता है कि मेरे रिटर्न में इतने नंबर हैं, फिजिकल मेरा पास हो ही गया है तो मेरा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो उसी दिन से सर मैंने हल्की हल्की सी जो अपने इलाके के बारे में सामान्य जानकारी, अपने कभी नाम का मतलब पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, जैसे मेरा नाम पूछ रहा है तो हर किसी का अलग अलग नाम होता, तो इस वजह से कभी कभी नाम का मतलब पूछ लेते हैं, और जिस इलाके में रहते हैं वो किस लिए फेमस है, तो ये सारी चीजें अपने इलाके की क्षेत्र की जान रहते हैं उसकी सामान्य जानकारियां सर मैंने उसी दिन से चालू कर दी थी हल्की हल्की सी। इसके लिए इंटरव्यू के लिए विशेष कोई बुक आती नहीं है जिससे हम पढ़ के इंटरव्यू पास कर लें, ये वही परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि सर मैं पुलिस से हूँ तो मुझसे ज्यादा इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पुलिस से ही संबंधित पूछे गए थे कि ये कॉन्स्टेबल के रूप में क्या जिम्मेदारियां रही और क्या थाने पे क्या चैलेंजेबल है ड्यूटी, पुलिस के लिए क्या चुनौतियां हैं, आजकल भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह पुलिस के सामने आती है, और इस वजह से सर मैंने इन सारी चीजों को लगभग इंटरव्यू से पहले पहले फेस कर लिया था। फिर सर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था, वहां आपके कोचिंग का वो एड देखा मैंने, तो सर जो मॉक इंटरव्यू के लिए जो लिंक भेजी हुई थी वो इंटरव्यू एक मॉक दिया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर सर मैंने रिक्वेस्ट करके एक बार और अपने लिए कि सर कैसे भी करके एक मॉक इंटरव्यू और अरेंज करवा दो मेरे लिए, तो आपकी कोचिंग ने सर वो भी अरेंज करवाया, मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ आपके लिए। बाकी मेरा इंटरव्यू किसी और कोचिंग से कहीं, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, पूरी प्रक्रियाएं बंद हुई थी, तो सर ऑनलाइन जो मॉक इंटरव्यू आपकी कोचिंग के माध्यम से मैंने दिया था इंटरव्यू में, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इंटरव्यू में अच्छे नंबर भी मुझे मिले थे सब इंस्पेक्टर में, तो मैं स्पेशली थैंकफुल होना चाहूंगा सर आपकी कोचिंग के लिए, विशेष रूप से धन्यवाद मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से। थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र जी, और आभार हम भी आपका प्रस्तुत करते हैं क्योंकि हम आपने हमारी भी कहीं ना कहीं मेहनत को जाया नहीं होने दिया, आपने
हमने यदि एक स्टेप लिया आपके लिए, तो आपने कहीं ना कहीं दो या तीन स्टेप आगे बढ़ के आप उसको परिणाम में परिणित किया है, उस सब उस मेहनत को, आपकी मेहनत को भी और हमारी मेहनत को भी, तो हम इसके लिए भी आभारी हैं और आपके लिए थैंकफुल हैं। पुष्पेंद्र जी, ये रही बात इंटरव्यू की, इसके अलावा हम बात करते हैं ऑल ओवर अनुभव की, कि किस तरह से आप और कुछ चीजें अपने युवा साथियों को बताना चाहेंगे, कि किस तरह से पूरे इस टाइम मतलब कि एक लंबा फेज है इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया का, तो उसमें किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, कौन सी चुनौतियां हैं जो आपने भी फेस की और वो भी फेस कर रहे हैं जो कि अभी फिलहाल 2021 एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से वो समस्याओं का सामना करें और साथ ही अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें पूरी प्रक्रिया में, किस तरह से ये पॉसिबल होगा? सर, मेरा स्टूडेंट्स के लिए इतना ही कहना है कि एग्जाम का ये सब इंस्पेक्टर का दौर बहुत लंबा चलता है, क्योंकि हमें रिटर्न एग्जाम के बाद फिर फिजिकल करना पड़ता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू, काफी लंबा टाइम ये प्रोसेस चलता है। तो खुद को स्वस्थ बनाए रखें, खुद को फिट बनाए रखें स्टूडेंट, क्योंकि सर हम शरीर से और मन से स्वस्थ होंगे तो ही सर पढ़ाई में मन लगेगा। बाकी एग्जाम के बारे में अभी से उतना ज्यादा नहीं सोचें स्टूडेंट, कि कब होगा कब नहीं होगा, आरपीएससी कब डेट देगी, ये आरपीएससी का काम है, स्टूडेंट्स का खुद का काम है। जो भी सिलेबस है उसको देख के उसके हिसाब से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, लगातार रिवीजन करते रहें, उसी से हमें मदद मिलेगी। और इधर उधर के फालतू जो नकारात्मक लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, कि नई जगह पोस्ट कम रहती हैं सब इंस्पेक्टर में, हर किसी से नहीं होता एग्जाम, ऐसे लोगों से दूर रहें, दूरी बनाए रखें, हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें, ये जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए सर बहुत जरूरी चीज़ है। और क्योंकि तीन चरणों में ये एग्जाम होता है, तो खुद को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाए रखें, जिससे हमें फिजिकल के टाइम ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े, उसकी तैयारी साथ साथ में हल्की हल्की सी करते रहें, खुद को फिट बनाए रखें। बाकी सर फिजिकल के बाद इंटरव्यू होता है, उसके लिए मैं आपकी कोचिंग से फिर कहूंगा कि बच्चों को मॉक इंटरव्यू उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें मदद मिले उस टाइम। जी 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 पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल, और इस बार हम चाहेंगे कि जब हम मॉक इंटरव्यू कराएं तो आप भी हमारे साथ जुड़ें और बच्चों का जो है मार्गदर्शन करने के साथ साथ मॉक इंटरव्यूज के दौरान आप भी मॉक इंटरव्यूज के रूप में हमारे एक स्टाफ के रूप में हमसे जुड़ेंगे, जिससे कि उनके कुछ और बेस्ट आप जो सवाल पूछ पाएंगे, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में भी आप हैं और साथ ही आपने जो मॉक इंटरव्यू फेस किए हैं और मेन इंटरव्यू भी आपने फेस किया, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ है। तो आगे आने वाले इंटरव्यूज में भी डेफिनेटली हम उसी तरह का जो है एक प्रोग्राम वापस से बच्चों के लिए लॉन्च करेंगे। हाल फिलहाल हमने जो है सबसे पहले जयपुर में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो टेस्ट सीरीज का, जिसमें कि बच्चे मॉक इंटरव्यू से पहले मॉक टेस्ट दे के एटलीस्ट अपनी तैयारी को, जो बच्चे पिछली बार किसी कारण से थोड़े बहुत नंबर से रह गए थे या फिजिकल आउट हो गए थे, उनके लिए एक प्रोग्राम हमने अभी स्टार्ट कर रखा है टेस्ट सीरीज का, कि उनको बेनिफिट मिलेगा। और टेस्ट सीरीज अभी हमारा जो है इंस्टीट्यूट वो कंडक्ट करवा रहा है फुल सिलेबस पे आधारित, और जैसे ही एग्जाम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है अलग अलग स्ट्रेटजी के तौर पर, पहले उनको रिटर्न क्लियर करवाना हमारा मेन मकसद है, उसके बाद में फिजिकल, और इस बार इंटरव्यू की हम जो है एक स्पेशल टीम हम गठित करेंगे, आप सभी बच्चे जो कि हमारी तरफ हमारी ओर से जिन मतलब हम हमारे इंस्टीट्यूट का सहयोग इसमें रहा या फिर आप हमसे जुड़े हैं, वो भी डेफिनेटली उस पैनल में रहेंगे, जिससे कि हमारा पैनल और भी संगठित और मजबूत होगा। पुष्पेंद्र जी, मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि आपने अपने वैल्यूएबल टाइम से हमारे लिए एक समय निकाला और आपने अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत किया उन बच्चों के लिए जो एसआई 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि जल्द ही आप हमारे साथ यहाँ पे फेस टू फेस आके भी बच्चों से मिले, ताकि बच्चे और मोटिवेट हों, तो इसके लिए भी आप जी मौका मिलेगा, मैं जरूर जरूर आपके सर इंस्टीट्यूट में आऊंगा, जरूर बिल्कुल। ठीक है पुष्पेंद्र जी, अगेन थैंक्स अ लॉट, पूरे युद्ध परिवार की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।